दिया उनको, उसका भी दिए, कागज ही मेरे पास ऑनलाइन का, हम लोग उसके भी दिए हैं। अरे इसके पिछले साल वाला रियल बिल भी तो दिए हैं। हाँ 22-23 तक का, 22-23 तक का भी दिए हैं। इसके पिछले साल वाला कहाँ दिया? ये 20-21 तक का मांगा जा रहा है, अरे 21-22 तक का मांगा जा रहा है। हम स्कूल में है, स्कूल जाएंगे। सब चीज में यहाँ पे जमा कराया जा रहा है, ठीक है। काल का जो री एडमिशन एनुअल चार्ज है वो पैसा को मांगा जा रहा है, जो कि हमारा पैसा मार्च 2023 तक कंप्लीट है, फिर भी ट्यूशन फी कंप्लीट है और सिर्फ ड्यू है री एडमिशन कोरोना काल का, उसमें रिजल्ट मेरा रोक दिया गया है। कोरोना काल का तो प्रिंसिपल बोला गया नहीं, प्रिंसिपल किसी बात नहीं सुना जा रहा है, किसी तरह कोई बात नहीं सुना जा रहा है। डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा फी जमा नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा का प्रमोट नहीं किया जाएगा फोर में, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है स्कूल, और रिजल्ट पूरी तरह रोक दिया है। एरियर भी, एरियर भी जोड़ा गया है उसमें, हाँ एक कोरोना पीरियड का 21-22। हाँ सरकार तरफ से आदेश आया था 1006 जो पत्रांक संख्या थी उसमें मतलब कोरोना पीरियड का जो एनुअल फी है उसे माफ़ करने का बोला गया था, लेकिन स्कूल किसी तरह का बात नहीं मानता। स्कूल में बोला जा रहा है, एक सौरभ मुखर्जी है शायद, वो बोल रहे हैं कि ना हम सरकार को मानते हैं ना कोर्ट को मानते हैं। सुदीप मुखर्जी हैं। हम लोग इसके लिए अब पेरेंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। जितना भी मैनेजमेंट है ये बोल रहे हैं कि जो कोविड का समय का फीस था, फीस नहीं उसको आप पेनल्टी बोल सकते हैं, जबरदस्ती का फीस बोल सकते हैं, हम लोग सारे पेरेंट्स 2000 मार्च तक का फीस पेमेंट कर चुके हैं, जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं सभी का ट्यूशन फीस 2 मार्च 2023 का सभी का जमा है। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि जो कोविड टाइम का पेमेंट है वो क्लियर करें, और इसके पहले ये कम्युनिकेशन एक बार भी ना मैसेज ना मेल ना फोन किसी भी माध्यम से नहीं किया गया था कि ये देना पड़ेगा। आज बच्चे को स्कूल में एडमिट किया, आज बच्चे को स्कूल में सामने ले गया रिजल्ट देने के लिए, तो बच्चे के सामने बोला जा रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका 17,000 रुपये एक बच्चे का बाकी है। जब हम लोगों ने कहा कि हमारा फी क्लियर है 2000 मार्च 2023 तक, तो वो लोग बात करते हैं आप लोग को नियम नहीं मालूम है, बच्चे पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। भैया जब आपके सामने आप बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहा है, कुछ बताया आपको? हाँ कि आपको साथ प्रमोट नहीं करे बच्चे को, आपके बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा